हाय वर्गोस एंड वेलकम टू माय चैनल. दिस इज तारा और आज हम कर रहे हैं जोडियाक रीडिंग्स. ये रीडिंग वर्गो, सन, मून, राइजिंग तीनों साइंस के लिए एप्लीकेबल होगी. और अगर आप अपना मून और राइजिंग साइन पता करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ज़रूर विजिट कीजिए. और इस रीडिंग का टाइम फ्रेम 1st to 15th of November है. एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सोशल मीडिया डिटेल्स और अपनी वेबसाइट जहाँ पर मैं ब्लॉग्स डालती हूँ उसके डिटेल्स भी दिए हैं. अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो भी डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कीजिएगा. ओके एंड आज हम टैरो एंड ओरैकल दोनों की से ही गाइडेंस लेंगे. और एक स्पेशल ओरैकल डेक है मेरे पास, आर्कएंजल ओरैकल डेक, इससे भी आज गाइडेंस लेंगे. बट पहले स्टार्ट करेंगे टैरो से एंड रीडिंग में बने रहिएगा. ओके तो वर्गोज, अगर किसी स्पेसिफिक एरिया में गाइडेंस चाहते हो तो उस क्वेश्चन को, सिचुएशन को आप थॉट देना स्टार्ट कर सकते हैं अभी व्हाइल आई शफल. तो वर्गोज, आपका फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स. नाइस, बहुत ही पीसफुल एनर्जी यहाँ पे लग रही है. सेकंड कार्ड है टू ऑफ सोर्ड्स एंड थर्ड कार्ड है डेथ एंड रीबर्थ. एंड बॉटम ऑफ डेक में है एट ऑफ पेंटिकल्स. तो वर्गोज, मुझे जो आप पर्टिकुलर एनर्जी में लग रहे हो, आप लग रहे हो कि आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हो. आप कोशिश कर रहे हो कि आप बिल्कुल अपने वर्क पे ही फोकस करो, लेकिन कहीं ना कहीं मेंटली आप इस चीज़ को, इस चीज़ से जूझ रहे हो कि यार, थॉट प्रोसेस कि यार ये काम होगा कि नहीं होगा, मैं इतना पढ़ रहा हूँ, पता नहीं रिजल्ट कैसा आएगा, कितने परसेंटेज मार्क्स आएंगे. ओके तो ऐसे एनर्जी में बहुत सारे वर्गोस मुझे दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पे किंग ऑफ कप से मुझे एक इमोशनल सपोर्ट आपके लिए दिखाई दे रहा है इस टाइम फ्रेम में. अगर आप इस कंफ्यूजन टू ऑफ सोर्ड की सिचुएशन में हो जहाँ आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, ओके तो यहाँ पे कोई इमोशनल सपोर्ट है. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन के पर्सन हो सकते हैं. एक डिपेंडेबल पर्सन है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है मेल है, बट इनकी एनर्जी ऐसी है कि दे आर वेरी डिपेंडेबल. आपको इमोशनली कम्फर्ट पहुँचाने की कोशिश कर, मतलब वो इस कोशिश में कामयाब होंगे. ठीक है कि आप अगर इमोशनली वीक महसूस कर रहे हो किसी भी तरीके से, किसी भी सिचुएशन की वजह से इमोशनली वीक महसूस कर रहे हो, तो एक कंफर्ट, समवन टू लीन ऑन, ऐसी एनर्जी है आपके लिए. ठीक है एंड अगेन डेथ और रीबर्थ का कार्ड मेजर आर्कना का कार्ड है फर्स्ट ऑफ ऑल. और ये कार्ड डिपिक्ट करता है फर्स्ट ऑफ ऑल एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में. ठीक है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बोलता है, जो कि मुझे ये लग रहा है कि रेवलेशन ऑफ आइडेंटिटी का मैसेज मुझे डेथ कार्ड से मिल रहा है. वर्गोज, यहाँ पे रिवेलेशन ऑफ आइडेंटिटी, जैसे कि कोई अगर अपनी आइडेंटिटी आपसे छुपा रहा था किसी भी तरीके पे, सोशल मीडिया पे भी हो सकता है ये, तो उसकी वजह से अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही थी कि मान लीजिए कोई स्टॉक कर रहा था, कोई मतलब आइडेंटिटी छुपा के, तो मुझे ना उसका एक रिवेलेशन है. और जनरल सेंस में अगर मैं कहूँ, ये तो बहुत स्पेसिफिक मैसेज हो गया, जनरल सेंस में किसी के ट्रू कलर्स जैसे आपको पता चल रहे हैं. ओके, जैसे कि ट्रू कलर्स सच में वो क्या है आपको जैसे रिवील हो रहा है. तो ये एनर्जी आपके लिए आई है वर्गोज. एक मेजर आपकी खुद की एनर्जी में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कुछ वर्गोज के लिए, ऐसा नहीं है एक्सटर्नल इफेक्ट के बारे में है, ये आपकी खुद की एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, जहाँ पे आप एक अपने यू नो हायर सेल्फ को अनलॉक कर रहे हो, आप एक बेटर सेल्फ को अनलॉक कर रहे हो अपने लिए. ओके
टॉरस अभी, सॉरी वर्गो अभी हम देखेंगे आपके लिए ओरेकल से क्या गाइडेंस है। आपका टॉरस, वाई एम सेइंग टॉरस, वर्गोस फर्स्ट कार्ड है मिंटाकन एंड सेकंड कार्ड है शेयर योर वॉइस। तो आपका हो सकता है वर्गोस किसी मून या राइजिंग साइन या सन साइन आपका टॉरस में भी हो। ओके, तो आप ज़रूर चेक करिएगा एक बार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिंटाकन से मुझे आपके लिए जो मैसेज मिल रहा है वर्गोस, वो ये है कि आप एक पर्सनल सेक्रेट स्पेस बनाने की कोशिश करो, ठीक है, जहाँ पे आपको पीसफुल लगता हो। लेट्स से आपको बुक पढ़ना अच्छा लगता है एक अपने कॉर्नर में, ठीक है, एक पर्टिकुलर कॉर्नर है आपका, आपको बुक जहाँ पे बुक पढ़ना अच्छा लगता है, तो वो आप एक आपका एक पर्सनल स्पेस है। ओके, लेट्स से आपको अपने गार्डन में बैठना अच्छा लगता है, अपने पौधों के पास बैठना अच्छा लगता है, आपको अपने टेरेस पे एक जगह बैठना अच्छा लगता है, आपको मेडिटेशन करनी अच्छी लगती है। तो एक पर्सनल स्पेस होता है हम सबका, ठीक है, तो वो पर्सनल स्पेस में आप टैप इन करो अपने लिए, एक ऐसा सेक्रेट सेफ स्पेस बनाओ आप। ओके, नथिंग फैंसी, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत पैसा खर्च करके ही कोई कोजी कॉर्नर बनाना होगा, आप सिंपल एक गद्दी डाल के भी बैठ सकते हो मेडिटेशन करने, जहां पे आपको कंफर्टेबल लगे, कैंडल लगाओ आप मेडिटेशन करने बैठ जाओ, ठीक है। सेकंड, ये चीज ना आपको सेफ्टी सिक्योरिटी के पोजीशन में आने में हेल्प करेगी, जो कि आपकी खुद की, अगर हम सेफ और सिक्योर महसूस करते हैं ना, तभी हम क्रिएटिविटी अपनी अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, तभी हम अपनी पर्सनल पावर में आते हैं, तभी हम कॉन्फिडेंट हो पाते हैं, ठीक है। तो ये आपको चीज़ बड़ी हेल्प करेगी आपकी एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट अपने अंदर बनाने में, खुद पर विश्वास करने में। सेकेंड है शेयर योर वॉइस, कम आउट ऑफ द केव। अब ये वाला, ये मैसेज ये डेथ कार्ड से बहुत रेजोनेट हो रहा है, मतलब इसके साथ बहुत मैच हो रहा है, इन द सेंस कि ये या तो आप हो सकते हो कि आपने अपनी आइडेंटिटी छुपाई हुई थी, तो आपको ही डायरेक्टली कहा जा रहा है कि आप जो बिलीव करते हो, मतलब एक पर्दे के पीछे मत रहो, आप ऑथेंटिसिटी के साथ जियो अपना जीवन, आप जिस बारे में विश्वास करते हो, जिस चीज़ में विश्वास करते हो, उसको खुल के बोलना भी आप यू नो समझो, उस चीज़ को आपको आना चाहिए उसको खुल के बोलना भी, ठीक है। तो ये हो सकता है आपके लिए भी है ये मैसेज, अदरवाइज मैंने एक जनरल मैसेज दिया ही पहले कि अगर कोई आप कोई और भी हो सकता है जिनके ट्रू कलर्स दिखाई दे, ठीक है, इस टाइम फ्रेम में आपको रिवील हो ट्रू पर्सनालिटी। फाइनली वर्गोज हम देखेंगे कि आर्कएंजल ओरेकल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ये टेक बहुत पावरफुल है, पर्टिकुलरली मैंने जब इस डेक के साथ इसको यूज़ करना शुरू किया, इसके साथ मेडिटेशंस की, कनेक्शन बिठाने की कोशिश की, तो मुझे तो बहुत ब्यूटीफुल और पावरफुल गाइडेंस मिली इस डेक से, इसलिए मैंने ये जनरल रीडिंग्स में भी इनकॉर्पोरेट किया है। एंड आई होप जो भी आर्कएंजल आज आपके लिए आ रहे हैं, आपको उनकी तरफ से हेल्प ज़रूर ज़रूर मिले, ठीक है। तो लेट्स सी, देखो अगर एक ही आर्कएंजल का कार्ड आता ना तो मैं ले लेती, दो तीन आ गए, तो आई विल शफल वंस मोर, जस्ट वंस मोर। आर्कएंजल गैलगलील, एक और पाइल के लिए भी आए थे आर्कएंजल, आई डोंट नो क्या ऐसा कैमरा कट हो गया था बीच में, ऑलराइट। सो आर्कएंजल गैलगलील, आर्कएंजल गैलगलील आपके लिए आए हैं। आर्कएंजल गैलगलील अगर आप देखें
एक वॉरियर हैं, ठीक है, जो अपने चैरियट पे जैसे आगे बढ़े जा रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे एक, अगर किसी चीज़ में स्टक थे, किसी चीज़ में विक्टिम मेंटालिटी में आ गए थे, आपको लग रहा था आपके अंदर करेज की कमी है, तो आर्कएंजल गैलगलील आपके लिए वो सब कुछ लेके आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मूवमेंट, एक प्रोटेक्शन, एक स्ट्रेंथ, करेज, विक्टिम मेंटालिटी से आपको बाहर लाने में हेल्प करेंगी आर्कएंजल गैलगलील। और अगेन यहाँ पे क्योंकि शील्ड है और यहाँ पे एक वेपन है, तो मुझे ये लग रहा है आपको प्रोटेक्शन करने की अपनी ज़रूरत है, अपनी एनर्जीज, अपना घर, खुद को प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत है। सिंबल, सिजिल्स, एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने में आपकी मदद करेंगे, ठीक है। आप सेज, इंसेंस, कैंडल्स, ये सब कर सकते हो अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करने के लिए। और इस टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है आपको कहा जाएगा कि चूज़ योर वेपन। आपको आने वाले टाइम में, देखो मुझे फिर 555 दिखाई दिया, दिस इज अ सिंबल के आपके लिए मेजर चेंजेस आ रहे हैं। और मैं आपको क्या मैसेज दे रही थी कि आपको एक वेपन चूज करने के लिए कहा जाएगा, वेपन ऑफ योर चॉइस, जो कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है पेन हो, कुछ लोग यहाँ राइटिंग में बहुत माहिर हैं, कुछ लोग के लिए पोट्री, कुछ लोगों के लिए लेट्स से ये हो सकता है कि आप जो भी क्रिएटिव है, लेट्स से आप पेंटर हो, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो, आप बहुत पेंट करने में, आपको पेंटिंग्स पेंट करने में बहुत अच्छा लगता है, तो आपको ना एक क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करने के लिए वेपन ऑफ चॉइस दिया जाएगा, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट, एक सक्सेस आपकी लाइफ में आने वाली है। चूज योर वेपन मुझे सुनाई दे रहा है और ये बहुत डिफरेंट मैसेज है। मुझे नहीं लगता मैंने कभी किसी के लिए ये वाला मैसेज चैनल किया है। चूज योर वेपन, ठीक है, तो आप ध्यान रखें, अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन है, किसी तरीके के क्रिएटिव ब्लॉक से गुजर रहे हैं, तो ये एक थ्रस्ट है, ब्रेक थ्रू है आपके लिए। कन्फ्यूजन्स में क्लैरिटी है, आपकी पर्सनालिटी ओन करने के लिए हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आउट ऑफ द क्लॉजेट आने की बात हो सकती है, यहाँ पे हो सकता है लिटरली आप, यू आर कमिंग आउट ऑफ द क्लॉजेट, ठीक है। और ये सिर्फ सेक्सुअलिटी क्लॉजेट नहीं है, ये अपनी सेक्सुअलिटी ओन करने की बात नहीं है, ये कोई भी क्लॉजेट हो सकती है जिसमें आपको लगता था कि आपको दूसरों को रिवील करने में अपना वो पार्ट, आपको शेम या शर्म आती थी, ठीक है। तो बहुत सारे लोग बोल्डनेस दिखाने को यहाँ पे आर्कएंजल गैलगलील आपके लिए आए हैं, तो बोल्डनेस दिखाने के लिए भी आपको कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ मैसेजेस थे वर्गोज आपके लिए, एंड आई होप आपको इन मैसेजेस से कुछ हेल्प और गाइडेंस ज़रूर मिली हो। और आपको अगर ये रीडिंग पसंद आई है तो इस रीडिंग को ज़रूर लाइक करें, फ्यूचर में ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सभी के साथ ज़रूर शेयर करें। आई होप सभी का कुछ ना कुछ भला हो, मंगल हो, कल्याण हो। एंड आपके साथ कितने मैसेजेस रेजोनेट हुए ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, आई होप आप अपनी केव से बाहर आ पाओ, ओके, एंड आर्कएंजल गैलगलील की आपको ज़रूर मदद मिले। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज, हम आपको मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। मीनवाइल टेक केयर एंड बाय बाय।